आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। ग्राम मंत्रालय में ग्रामीणों को मजदूरी नहीं मिलने के लगे आरोप, लोक जनकल्याण समिति के जिला अध्यक्ष ने दी जानकारी। पानसेमल विकास खंड के ग्राम मंत्रालय में ग्रामीणों ने मजदूरी नहीं मिलने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों द्वारा ऑपरेशन सत्यापन के दौरान निरीक्षण के लिए आए अधिकारियों को ग्राम में अधूरे खेत तालाब की जांच की मांग की थी। आज प्राप्त जानकारी में लोक जनकल्याण समिति के जिलाध्यक्ष रविन्द्र मराठे ने बताया कि ग्रामीणों ने मजदूरी की समस्या को लेकर जिस प्रकार आरोप लगाए हैं उनकी जाँच होना चाहिए। लोक जनकल्याण समिति के ब्लॉक सचिव दिनेश चौहान ने बताया कि इन सभी समस्याओं को लेकर बड़वानी कलेक्टर को पत्र भी लिखा गया था किंतु जवाब नहीं आया। बड़वानी कलेक्टर के पानसेमल दौरे के दौरान पुनः आवेदन प्रेषित किया, वहीं पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने पानसेमल सीईओ को इन कार्यों की जांच करने के निर्देश दिए। बीते दिनों जांच हेतु आए दल के सदस्य विकास खंड शिक्षा अधिकारी अरुण मिश्रा एवं अन्य अधिकारियों ने ग्राम के सचिव से जानकारी ली और ग्रामीणों को शीघ्र मजदूरी की राशि वितरित करने हेतु कहा गया। आजाद न्यूज के लिए पानसेमल से सतीश केवट की रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं, लोक जनकल्याण समिति मध्य प्रदेश जिला पूरे बड़वानी जिले में कार्यरत है, जन समस्याओं के को लेकर कार्यरत है। तो उसी के तहत हमारे युवा सेना के ब्लॉक सचिव है दिनेश चौहान, उन्होंने बताया कि सत्यापन कार्य के लिए कोई अधिकारी आए हुए हैं तो बुलाया गया और हमारे द्वारा उन अधिकारियों के साथ भ्रमण किया गया। तो यहाँ पर भ्रमण के दौरान हमारे लोक जनकल्याण समिति के सदस्य ने जैसा बताया कि यहाँ पर चेक डैम बनाया गया है जो पूरी तरह से बनकर तैयार था और बारिश का पानी भी रुका हुआ था, लेकिन उसको तोड़ा गया। बारिश का पानी भी जो रुका हुआ था उसको भी निकाला गया। तोड़ने के बाद उसमें गेट लगाने की बात कही, लेकिन गेट भी नहीं लगाया गया। और उसी चेक डैम के आगे कुछ ही मीटर पर खेत तालाब है, वो खेत तालाब भी 8-10 महीने से अधूरा है। वहाँ पर भी जो मनरेगा के तहत मजदूर लगाए जाते हैं वहाँ पर भी मजदूरी बाकी मजदूरों को नहीं मिल पाई है। वो आज तक जनपद और सरपंच सचिव के कार्यालयों में अपने चप्पल घिस रहे हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो रहा है। और ऐसी भी अनियमितता हमारे समिति ने बताई है कि इस मजदूरी में भी मस्टर में भी अनियमितता देखी गई है। तो ये सारी प्रकार की समस्या इन्होंने अधिकारियों को बताई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 6 से 8-10 दिन में इन समस्याओं का निराकरण कर लिया जाएगा। लेकिन हमारी समिति की मांग है कि ऐसा हर बार होता है, हर बार हम शिकायत करते हैं और हर बार मतलब आश्वासन मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो हम मांग करते हैं कि इन समस्याओं का पूरी तरह से निराकरण किया जाएगा।